इधर ग्वालियर में चल रहे व्यापार मेले से एक सुंदर कहानी आई है। मेले में एक शख्स का पर्स गिर गया था, जिसमें 2500 रुपए के अलावा कुछ जरूरी दस्तावेज थे। ये पर्स एक बच्चे को मिला, जिसने थाने जाकर पुलिस को पर्स लौटा दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने न सिर्फ बच्चों को माला पहनाकर स्वागत किया, बल्कि बच्चों को कंधे पर बिठाकर पूरा मेला घुमाया। मेला में भीड़ भाड़ में अमित अग्रवाल जी जो फूल बेचने का काम करते हैं, उनका पर्स गुम गया था। लेकिन मैंने देखा 12 साल का एक बच्चा, एक 10 साल के आसपास की बच्ची, दोनों मासूम ने जो ईमानदारी दिखाई और उनके जो संस्कार थे बड़े ही उत्कृष्ट स्तर के थे। आर्यन मीणा और उसकी बहन जो कि फूलचंद मीणा पत्रकार हैं, उनके बेटे हैं, तो इन लोगों ने आकर हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में वो पर्स जमा कराया और हमने देखा उसमें 1 रुपए गायब नहीं थे। पूरे 2610 रुपए जो फरियादी के थे पूरे मिले वो, और जब फरियादी को मिला था वो बहुत खुश हुआ, उसकी पत्नी भावुक हो गई, रोने लगी। उसके बाद हमें लगा कि आजकल के बच्चों में ये गुण होना चाहिए, तो हमारी पुलिस ने उनको गोदी पर लेकर पूरे मेले में पहले परिक्रमा लगाई माला पहनाकर उनको, उसके बाद जो उनकी इच्छा थी झूला झूलने के लिए, तो हम लोगों ने स्वयं अपने हाथों से बच्चों को झूला झुलाया, ताकि जो दूसरे भी बच्चे हैं वो सीखें ऐसे संस्कार और प्रेरणा ले कि यदि हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे, तो हमारा सम्मान होगा और हमारे माता पिता का भी सम्मान होगा।